वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान ने मरकजी ऐवान सहाफत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वो दिन दूर नहीं जब आज़ाद कश्मीर और जीबी के लोग मिलकर कश्मीर को आज़ाद कराएंगे। दोनों हुकूमतों का काम बस यही है कि लोगों को आपस में मिलने का मौका दिया जाए, शूटर टनल से लोग आपस में मिलें और मसला कश्मीर के लिए भी ये रूट अहम होगा। गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत और कश्मीर की हुकूमत को एक जो बुनियादी काम करने की ज़रूरत है वो ये है कि आपस में लोगों को मिलने के मौके फराहम किए जाएं, आसानियां पैदा की जाएं कि बाकी दीगर सूबों में जहां पे अगर कोई चीज़, कोई स्टूडेंट, कोई इलाज का मसला या किसी और उस पर हो सकता है तो उस पर हम कश्मीर के लोगों को सहूलियात दें ताकि वो पहली फुर्सत में बड़ी आसानी से गिलगित की तरफ आ सकें, जीबी की तरफ, और इसी तरह जीबी के लोग पहले जो कश्मीर की तरफ हमारा चक्कर होता था तो वो हो जाएं। तो जब मिलना मिलाना ज़्यादा होगा तो मोहब्बतें ऑलरेडी मैं समझता हूँ कि हमारे दिलों में हैं, और दीवान साहब ने बिल्कुल बजा फरमाया कि जब ये रोड मिलेगा शोटो टनल वाला तो एक तो पूरी इकॉनमी में कश्मीर की उसमें बे इंतहा एक असर पड़ेगा और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगी, और उसके साथ साथ दोनों इलाके के लोग आपस में मिलेंगे, और मैं समझता हूँ ये मसले कश्मीर के लिए भी बहुत अहम बात होगी। और मेरा मानना ये है कि जब तक गिलगित बल्तिस्तान के लोग और कश्मीर के लोग मिलके स्ट्रगल ना करें, मिलके जदोजहद ना करें, हम शायद जो हमारे कश्मीरी भाई हैं उनकी आवाज़ पर उनकी मदद उस तरह ना कर सकें जिस तरह हमारा हक और फ़र्ज़ है। और मैं समझता हूँ अगर हम इकट्ठे हो गए तो कश्मीर की आज़ादी कोई दूर नहीं, कोई बड़ी बात नहीं।